बोर्ड एग्जाम से जुड़ी दो बड़ी अपडेट। अगर आप भी कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं, बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं, तो आज आपके लिए दो बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि दोनों अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों क्या बड़ी अपडेट आई है आज। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी नई और अच्छी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताना आप लोग कौन से राज्य से हो, ताकि उस राज्य से जुड़ी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी जो भी बड़ी खबर हो हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। तो आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी इस बार अपना रिजल्ट आसानी से नहीं देख पाएंगे। बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण इस बार छात्रों को रोल नंबर नहीं मिला है, ऐसे में उन्हें अपना परिणाम देखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। परीक्षा परिणाम को देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट, नामांकन अथवा पंजीकरण संख्या की मदद से बोर्ड वेबसाइट पर लॉगिन कर देखना होगा। जिन विद्यार्थियों के पास अपने नामांकन या पंजीकरण संख्या नहीं होगा उन्हें स्कूल जाकर उसे लेना होगा। इससे छात्रों परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है दोस्तों, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड वाले पूरी तैयारी में है और सरकार भी पूरी तैयारी से है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देगी। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज की दूसरी अपडेट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का 10वीं क्लास रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, और सभी राज्य दिन रात तैयारी में लगे हुए हैं जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी करने के लिए। और यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आपके अगले हफ्ते तक आ सकता है दोस्तों, पूरी की पूरी संभावना जताई जा रही है। सभी राज्य तैयारी में लगे हुए हैं और कई राज्य 10वीं और 12वीं का एक साथ रिजल्ट जारी करने की सोच रहे हैं, और बाकी राज्य पहले 10वीं का रिजल्ट जारी करके उसके बाद 12वीं का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।